औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपनी इंग्लिश हैंड राइटिंग के सबक को आगे बढ़ाएंगे। अपने गुज़िश्ता सबक में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के वॉवल्स में से सेकंड वॉवल यानी ई को रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखने का तरीका सीखा था। आज हम तीसरे वॉवल यानी आई को बकिया जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ मिलाकर लिखने का तरीका सीखेंगे और देखेंगे कि जब आई को बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाया जाता है तो उनकी ड्राइंग कैसे की जाती है। आपने चार लाइनों वाली नोटबुक्स पर ही अभी ये मशक करनी है और रोज़ाना की बुनियाद पे करनी है, बिला नागा करनी है, इसमें छुट्टी नहीं करनी। जितनी आप मशक ज़्यादा करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, उतनी ही आपकी हैंडराइटिंग जो है वो जल्द खूबसूरत होगी और उसमें उतनी ही जल्दी जो है वो स्पीड भी पैदा होती चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि आई को जब दीगर अल्फ़ाबेट्स के साथ ज्वाइन किया जाता है तो उसकी ड्राइंग कैसे की जाती है। पहले हमने सेकंड जो वॉवल था इंग्लिश का ई, उसको रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश उनके साथ ज्वाइन करके लिखना सीखा था। आज हम नेक्स्ट जो वॉवल है इंग्लिश में ए ई के बाद जो तीसरा वॉवल है आई, उसको बकिया अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे। यूँ आई को हमने ड्रॉ किया और आई के साथ यूँ बी सी डी। एक दिलचस्प बात आपको अर्ज़ करता चलूं कि मश्क करने का फ़ायदा ये होता है और मश्क करने से आपका हाथ इस कदर आदि हो जाता है किसी भी लफ्ज़ को उसके मुकर्रा मेयारात के मुताबिक लिखने का कि अभी ये मैंने जो चार लाइन वाली पेज अपने सामने रखा हुआ है ये असल में उर्दू हैंड राइटिंग के लिए है, क्योंकि इसके तीन जो लाइनों के दरमियान ये जो फासला है ये तो एक जैसा है, लेकिन जो तीसरी दो लाइनों के दरमियान फासले वाली पोजीशन है, जगह है, वो फासला थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मेरा हाथ जो है उससे बिल्कुल नीचे से ही पीछे नीचे की तरफ घूमना शुरू कर देता है और मुझे बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। तो ये मश्क का फ़ायदा होता है कि जब आप एक चीज़ की बार बार बचपन में मश्क कर लेते तो आपका हाथ जो है वो इसका आदी भी हो जाता है, कंट्रोल में भी आ जाता है, तो आपको लिखने में भी सहूलत होती है। ये लाइन आप बढ़ाकर इस लाइन के बराबर भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो पीछे से ज्वाइनिंग लाइन होती है ये भी ज़रूरी नहीं कि इसी लाइन से शुरू हो, क्योंकि जो पिछला हमने इस जो ज्वाइनिंग लाइन है उसको पिछले हरफ के मुताबिक बनाना होता है और बाद हरूफ ऐसे हैं जो जहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो ये कोई, लेकिन ज्वाइनिंग ये है कि आपका असल जो वर्ड है वो ये इस तरह से ड्रा होगा। असल आपका आई है तो असल उसकी जो शेप है वो ये है, तो उसके साथ कहीं से भी आप ज्वाइन कर लें, बेशक आप यहाँ से ज्वाइन कर लें, बेशक आप यहाँ से ज्वाइन कर लें, लेकिन जब उसकी शेप बनानी तो आपने नीचे यूँ बनानी है। और अगले हरफ की जो शेप है उसकी ज्वाइनिंग लाइन वो बेशक आप यहाँ ले जाएं, जहाँ मर्जी छोड़ दें, उसको भी अगले हरफ की साख्त के मुताबिक ही ज्वाइन करना होता है। तो ये उसी के मुताबिक जाकर जहाँ अगर यहाँ से ज्वाइन होना है तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ से ज्वाइन होना है तो यहाँ से ही ज्वाइन हो जाएगी। आई और एफ, इसकी शेप थोड़ी सी गोल होनी चाहिए, नीचे से ज़रा ज़्यादा गोल होनी चाहिए,
शहद की मक्खी की तरह इसकी शेप बन जाती है एफ की। इसमें उसको गोल किया और फिर यूं जी के बाद एच एच के बाद आई। अगर आप नुक्ते नहीं डालेंगे तो ये यू की शेप बन जाएगी। आई और जे आई और के आई और एल आई और एम आई और एन आई और ओ आई और पी आई और क्यू आई और आर आई और एस टी आई और यू आई और वी आई और डब्ल्यू आई और एक्स आई और वाई और आखिर में आई और जी। तो ये तीसरा वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जिसको हमने बकाया जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के उनके साथ मिलाकर लिखना सीखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भरपूर समझ आई होगी और स्टूडेंट्स जो हैं इसी पैटर्न पर इसकी तैयारी करेंगे। एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर दूँ ताकि आपके जहन में कोई बहाम ना रहे। ये जो बैक साइड से ज्वाइनिंग लाइन होती है और आगे जो ज्वाइनिंग लाइन होती है उसके लिए कोई तयशुदा कुलिया या फार्मूला नहीं है। बैक साइड पे ज्वाइनिंग लाइन बैक साइड पे जो अल्फ़ाबेट होगा उसके मुताबिक बनेगी। आगे वाली जो ज्वाइनिंग लाइन है वो आगे किस हरूफ के साथ हरफ के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक बनेगी। जैसे यहाँ पर हमने ये ज्वाइनिंग लाइन वी को यहाँ से कनेक्ट किया है तो हम ज्वाइनिंग लाइन को ऊपर तक ले गए और फिर नीचे इस तरह से हमने वी बना दिया है। लेकिन यू की शेप जो है वो यहाँ से हमने सीखा था कनेक्ट करना तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दी है। इसी तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बैक साइड से ज्वाइनिंग लाइन और अगले साइड पे जो ज्वाइनिंग लाइन है वो जो उसके बैक साइड वाले हरूफ हैं और जो से आगे वाले हरूफ हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनती है।
असल जो फोकस होना चाहिए वो आपका असल हरफ की जो उसकी अपनी शेप है उस पर होना चाहिए, कि उसके अंदर जो ड्राइंग में किसी किस्म की जो है वो कमी बेशी कमज़ोरी नज़र नहीं आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसी पैटर्न पर घर में चार लाइनों वाली नोटबुक पर इसकी मशक करेंगे ताकि आपकी हैंडराइटिंग में जल्द अज जल्द जो है वो खूबसूरती भी पैदा हो और आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो भी बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला आप का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको इल्म और तालीम के मैदान में हमेशा आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।